दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को आखिरी के दो ओवर में 22 रन की जरूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए अंतिम ओवर में कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिसे देखकर सारे खिलाड़ी सहित सारे क्रिकेट प्रशंसक चौंक जाते हैं। दोस्तों यकीन मानिए ऐसा रोमांचक मुकाबला आपने अभी तक नहीं देखा होगा जैसा सेमीफाइनल खेला गया ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच। आपको बता दो दोस्तों, पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद रिजवान और फकर जमान के अर्ध शतकों की मदद से 176 रन बनाने में कामयाब रहती है और ऑस्ट्रेलिया के सामने 177 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख देता है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया लगातार अंतराल के बाद अपने विकेट गंवाती रहती है दोस्तों, लेकिन डेविड वॉर्नर, मिचेल मार्च और अंत के ओवरों में मार्कस टोनिस और मैथ्यू वेड की धुआंधार पारी देखने को मिली दोस्तों, ऐसी पारी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इतिहास रचने पर मजबूर कर दिया। तो आपको बता दूं आखिरी के दो ओवर में 20 से ज्यादा रन की जरूरत थी, लेकिन मैथ्यू वेड 19वें ओवर में ही 3 छक्के जड़ देते हैं दोस्तों और एक ओवर पहले ही ऑस्ट्रेलिया यह मुकाबला अपने नाम कर लेता है। दो सेमीफाइनल और दो रोमांचक सेमीफाइनल देखने को मिला दोस्तों, पहला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, वहीं दूसरा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच। तो फाइनल में दो टीमें पहुंच गई हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।